अब हम कभी भी नहीं आने वाले यहाँ पे। Hey guys, welcome back to my channel Ruchi Style Corner. तो आज है जन्माष्टमी एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली दो डेज है जन्माष्टमी के, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं, विक्की, मैं और मेरी एक और फ्रेंड है, आज एक्चुअली वर्किंग डे है, तो हम लोग जा रहे हैं टाउन साइड में। और मैं आपको अपने जो कृष्ण जी हैं वो बताती हूँ। अभी एक्चुअली मैंने कुछ डेकोरेट नहीं किया है, थोड़ा सा ही उनको सिर्फ झूले पर बिठाया है। जब मैं आ जाऊँगी शाम को तब मैं इनको प्रॉपरली डेकोरेट करूंगी, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो रात को 12 बजे सेलिब्रेट होता है। हम लोगों का एक्चुअली फास्ट है, तो हमने फास्ट कैसा रखा है कि हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम हम फलाहार करते हैं, वैसा वाला फास्ट है। पूरा एकदम भूखे नहीं रहने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने सुबह खाना खा लिया है, शाम को हम लोग फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें ही लेंगे, फ्रूट्स जूस वगैरह ये सब चीज़ें लेंगे। तो बस ऐसा वाला फास्ट है। और रात को 12 बजे वो खुल भी जाता है, जब बर्थडे हो जाता है उनका तब वो खुल जाता है। तो यस, अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं। मेरी फ्रेंड एक्चुअली वहीं से ज्वाइन करेगी, मतलब वो यहाँ से निकल जाएगी। एक्चुअली आज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट मैं अटेंड नहीं कर पाई, मुझे मिस करना पड़ा, बिकॉज आज जन्माष्टमी भी है और हमारे बहुत सारे काम हैं, हमको कुछ सामान भी लेकर के आना है। और विक्की को भी उस तरफ टाउन साइड में थोड़ा सा काम है, तो वही करने के लिए हम लोगों को जाना है। और अभी मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ और वहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। रीच्ड और हम लोग पहुंचे हैं 1.8 आवर्स में। मतलब मैं जितने जोश से यहाँ पर आई थी उतना ही जोश मेरा यहाँ पहुंच करके ठंडा हो जाता है। तो अभी मैं क्रॉफिट से अंदर से होकर के आई हूँ एंड वर्किंग डे है आज, बट इतना ज़्यादा रश है। माइट बी पॉसिबल आज फ्राइडे इसलिए इतना ज़्यादा रश है, बट बहुत रश है। इतनी गर्मी और इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है और एक तो धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, तो मेरे को तो इतनी घबराहट हुई थी। जो काम का सामान था एक आध बस मैंने वो फटाफट लिया, और अभी मेरी फ्रेंड है वो आने वाली है, आई गई है ऑलमोस्ट, फिर हम दोनों निकल रहे हैं मंगलदास। और आई थिंक वहाँ पर भी ऐसी गर्मी होने वाली है, तो फटाफट वहाँ से कम्प्लीट करके निकलेंगे घर के लिए। तो बेसिकली हम लोग मंगलदास में साड़ीज़ एंड सूट पीसेस देखने के लिए आए थे, तो वी बोथ आर सिल्क लवर बिकॉज ये ऑल टाइम यू नो स्टाइलिश लगता है, थोड़ा क्लासी लगता है। तो हम लोग सिल्क देख रहे थे, हम लोग पेशवा सिल्क देख रहे थे। पेशवा सिल्क जनरली 10 to 15,000 के ऊपर आती है, तो वो फिर हमने रिजेक्ट किया बिकॉज इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना था। हम लोग एक बार हार्डली साड़ी पहनते हैं, उसके बाद उसका मुहूर्त भी नहीं आता है सेकेंड टाइम पहनने का। तो हम नॉर्मल सिल्क देख रहे थे साड़ीज़, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी कोई खास हम लोगों को जमी नहीं। बाकी आप देखिए और वीडियोस में, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है।
और हम लोग कंटिन्यूसली भटक रहे हैं. हाय आकांक्षा, तो हम लोग कंटिन्यूसली भटक रहे हैं, बट साड़ी सिलेक्ट करना इज अ टास्क. इसको तो ये मेरे से ज़्यादा नखरे वाली है, ये रही वही लड़की, ये है. मैं फिर भी एक बार पसंद कर लेती हूँ. इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है. हम लोगों ने इतनी सारी शॉप्स छान ली है, बट ओ माय गॉड, इसको कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही. Can you see our faces? Sweating दिख रही है. हम तो so oily. और review तुम्हें कैसा लगा? Actually कुछ भी अच्छा collection नहीं था, बहुत ही वाहियात collection था, बिल्कुल भी classy नहीं था. हम लोग बिल्कुल भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं और अब हम कभी भी नहीं आने वाले हैं यहाँ पे. वैसे जब हम लेने के purpose से नहीं आते ना, तो और पैसा भी नहीं देता. अभी हम सब माइंड सेट से आए थे कि हमें ये लेना है, और पैसे वैसे लेकर के आए थे, बट हमको कुछ मिला, कुछ नहीं मिला. हम पूरा मार्केट भटक लिए हैं, और भुलेश्वर जाने के लिए हम कहाँ तक भटके हैं, लेकिन हमको भुलेश्वर मार्केट भी नहीं मिला. और सब यही बोल रहे थे कि 5 मिनट आगे पास. My God. Seriously. और ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो अब बस ऐसा लग रहा है घर पहुंच जाए, क्योंकि आज फ्राइडे है और जन्माष्टमी है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. हम लोग के फास्ट और एग्जैक्टली हम लोग का फास्ट है, और घर जाके भी पूजा करनी है, प्रिपरेशन करनी है. सीरियसली तो वैसा लाना पड़ेगा हम लोग फिर से. Hey guys, so we are back, और आफ्टर 2 आवर्स, मतलब इतना ज्यादा रश था. हम लोग 5 o'clock पे निकल गए थे, 5 बजे वो अपना उधर निकल गई और हम लोग इधर आ गए. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं क्रॉफर्ड मार्केट और इन सब एरियाज में गई हूँ, एंड आई बॉट लिटरली नथिंग. मतलब मैं सिर्फ क्या लेकर के आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. जो डस्टबिन बैग्स होते हैं, मैं वो लेकर के आई हूँ. एंड उसके बाद एक विक्की के ऑफिस के लिए जाने के लिए उसको एक जूट बैग चाहिए था, बड़ा थोड़ा. हमारे पास ऑलरेडी जो जूट बैग थे जो वो ऑफिस लेकर आता था, वो थोड़े छोटे थे, तो उसको जिप वाला जूट बैग चाहिए था. वो 100 rupees का लेकर के आई हूँ. दैट्स इट. इस बार का एक्सपीरियंस मेरा बहुत गंदा था. एक तो फेस्टिव, या तो हम लोग बहुत गलत टाइम पे गए, हम फेस्टिव सीजन के टाइम पे गए, पूरा इतनी धूप में भी वहाँ पर इतना रश था. माय गॉड, जबकि आज वर्किंग डे है, और मैंने सोचा था वर्किंग डे होगा तो रश कम होगा, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ज़्यादा रश था आज. मेरे पूरे स्किन पर ना ऐसे चिप चिप हो रहा है, एंड पूरा ब्लैक निकल रहा है. मतलब इतनी डस्ट और सब कुछ मेरे फेस पे लग गई है. एंड बहुत ही अभी हम लोग फिर से आई जस्ट टेक अ शावर, और उसके बाद जन्माष्टमी की तैयारी करनी है, बिकॉज आज रात को 12 बजे का बर्थडे है कृष्ण जी का बर्थडे, मतलब उनका जन्म होगा, तो वो पूरा हम लोग करेंगे सेलिब्रेट. तो यस, अभी तो मैं काफ़ी थक गई हूँ और मेरा बहुत हेडेक भी हो रहा है. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. टिल देन बाय. Guys, so I just took a shower, और अभी फटाफट से मैं खिचड़ी बनाऊंगी साबुदाने की, एंड देन फिर जो कृष्ण जी है उनके वहाँ का सब डेकोरेशन करूंगी. तो बिकॉज 12 बजे तक का तो जगना ही हम लोगों को, और अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, तो मैं भी सबसे पहले साबुदाने की खिचड़ी बनाऊंगी. हम लोग भूल गए थे साबुदाने को गलाना, तो अभी थोड़ी देर पहले ही उसको सोक किया है वाटर में, तो वो फटाक से जब सोक इन हो जाएंगे उसके बाद का मैं प्रोसीजर करने वाली हूँ. Thank you.
बन चुकी है एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी और मैं साड़ी पहनने वाली हूँ. सो दिस इज़ माई साड़ी बेसिकली. मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊँगी. ये मैंने साड़ी पहनी थी अपने मस्टर्ड कलर की साड़ी है ये. मेरा क्या हुआ था, जो ये विक्की के फैमिली वाले आए थे क्या लेकर के, कुछ होता है तिलक विलक कुछ हुआ था, साड़ी चढ़ाई गई थी. एंड सब चढ़ाते हैं, फलदान बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, फलदान नहीं बोलते बट कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है. तो उसमें मैंने ये साड़ी अपनी पहनी हुई थी और मैं बहुत हल्का फुल्का, मेकअप तो नहीं बोलूँगी, मैं बहुत हल्का फुल्की तरीके से रेडी हो रही हूँ बिकॉज पिक्चर्स वगैरह अच्छे क्लिक करने हैं. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई मॉइस्चराइजर. गाइस, आई एम ऑलमोस्ट रेडी और मेरे बाल नहीं जम रहे हैं तो मैंने बहुत मैसी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है, अरेंज किया है मतलब. और ये है मेरी साड़ी, बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, बहुत पतली सी है इसलिए मैंने पहनी है बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर. और फटाफट से मैं पूजा की तैयारी करती हूँ और फिर 12 बजने वाले हैं तो हम लोगों को आरती करनी है भगवान की और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. ये हम लोग पहनाने वाले हैं कृष्ण जी को. हे गाइस, सो वी आर डन विद द पूजा और अभी बज रहा है 12:15 हो गया है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माई साड़ी. साड़ी को आधे घंटे से ज़्यादा या एक घंटे से ज़्यादा पहना गर्मी में, गर्मी अगर हो रही है और ह्यूमिडिटी हो रही हो तो इट्स अ टास्क, लिटरली इट्स अ टास्क. हेड्स ऑफ टू द लेडीज जो लोग साड़ी कैरी करते हैं ऑल द टाइम. बैक इन दिस लुक, दिस इज द मोस्ट कम्फर्टेबल एंड हैप्पी लुक ऑफ माइंड. मतलब तो अब फटाफट से हम लोग खाना खाएंगे, जो खिचड़ी बनाई थी वो खाएंगे और व्रत आल. ऑल्दो अभी हम खोल सकते हैं बट अब हम खोल नहीं रहे क्योंकि खिचड़ी हमारी बन हुई है और वो भी काफ़ी टेम्पटिंग सी बनी हुई है. तो खिचड़ी खाने के बाद फिर मैं सोऊंगी. तो मैं आपसे पता नहीं नेक्स्ट कल मिलती हूँ या नेक्स्ट उसमें मिलती हूँ. वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में दो चीज़ें शेयर करूंगी. एक तो मैं शेयर करूंगी मीशो के बारे में. तो जो लोग नए हैं और जिन लोगों को नहीं पता है मीशो क्या है और जो पुराने हैं और जो सोचते रहते होंगे मीशो मीशो में क्या कर रही हूँ, तो आप एक बार अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसे आप मीशो डाउनलोड करके देखिए. मैं नीचे लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करिए. तो मीशो इज़ बेसिकली इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग शॉपिंग ऐप है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठ करके बिजनेस कर सकते हैं. चाहे तो आप इसको अपनी प्राइमरी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी सेकेंडरी इनकम या पार्ट टाइम इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करना है. जो नीचे दी हुई लिंक है उसमें क्लिक करिए, डाउनलोड करिए. आपको एक अमाउंट मिलेगा, आपके जैसे कि आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा और आपको सारे प्रोडक्ट्स एक बार आप सर्च कर लीजिए पूरे ऐप में क्या क्या किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप खुद स्टडी कर लीजिए. फिर आपको पता ही होगा कि आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना है या आपको रीसेल करना है, आपके सर्कल को क्या पसंद है, आप किस तरह के सर्कल को बिलोंग करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल को क्या पता है. अगर आपके पास फ्रेंड सर्कल नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाइए, टैग्स यूज़ करिए, हैशटैग्स यूज़ करिए. डिटेल वीडियो देखने के लिए मैं ऑलरेडी मीशो के ऊपर कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसमें होता है, वो सब मैं बना चुकी हूँ. तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. अरे लोगों के मेरे पास इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं दैट दे आर डूइंग रियली वेल. तो अगर आप अपनी पार्ट टाइम इनकम, एक्स्ट्रा इनकम किसको नहीं पसंद होती है, तो अगर आपकी कोई प्राइमरी इनकम है और आप कुछ पार्ट टाइम इनकम अपनी लेना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली वर्क विद मीशो एज वेल. और अभी जो सेकंड टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, एज यू ऑल नो हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है और गणेश जी बैठने वाले हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. ये पूरा टाइम 3-4 महीने बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, बहुत ही फन और हैपनिंग होते हैं. तो गणेश जी बैठने वाले हैं, मेरे घर पे भी गणेश जी बैठते हैं. आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में गणेश जी बैठते होंगे, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ.
लास्ट टू लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम मैंने जब यहाँ पे गणेश जी बिठाए थे तब मैं खुद POP के जो छोटे से गणेश जी हैं वो लेकर के आई थी, और लास्ट ईयर हम लोग इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर के आए थे। तो जब हम लास्ट ईयर इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर के आए थे ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि इनके कलर्स भी इतने हार्मफुल होते हैं। तो हमारा ऐसा प्लान था कि हम जो गणेश जी लेकर के आएंगे वो हम क्रीक में या कहीं पर भी जो वाटर बॉडीज़ होती है, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती है, हम वहाँ उनको नहीं इमर्स करेंगे, हमारे घर पे ही इमर्स करके उसका जो पानी है वो पौधों में डाल देंगे, ऐसा हमारा प्लान था। तो हम लोगों ने जो इको फ्रेंडली गणपति जी लेकर के आए थे तो उस पे ऑब्वियसली वो पूरे पेंटेड थे। तो जब हम लोगों ने उनसे पूछा, यहाँ पर मुंबई में क्या होता है, गणपति जी के एक महीने पहले से बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एंड नो डाउट मैं बिकॉज मैं भोपाल को बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर भी मेरे यहाँ गणपति जी बैठते हैं, तो वहाँ के प्राइस रेंज के यहाँ पर गणपति जी का जो कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कॉस्ट यहाँ पे बहुत हाई है कंपैरेटिवली टू अदर टायर टू सिटीज़, या पता नहीं मुझे बाकी मेट्रो का तो प्राइजेस, बट यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब जो भोपाल में 500 रुपये 600 रुपये के गणपति जी मिलते हैं वो यहाँ पर उतने साइज़ के 2500 से 3000 रुपये के मिलते हैं, तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, बट ठीक है, भगवान का वो होता है तो हम लोग इतना सोचते नहीं हैं उसमें। तो मैंने इको फ्रेंडली जो गणपति जी होते हैं उसकी प्राइस और ज़्यादा हाई होती है, POP के अगर 2000 के आ रहे हैं तो इको फ्रेंडली के वो 3000-3500 में आएंगे, ऐसा होता है। तो हम लोगों ने इको फ्रेंडली गणपति जी लेकर क्या, उन्होंने बोला ये इको फ्रेंडली गणपति जी है, इस पे जो पेंट है वो भी इको फ्रेंडली है। तो हम लोग वो बुक करके आ गए और लेकर के आए। तो जब हम लेकर के आए, जब उनको इमर्स करने का टाइम आया तो हमने यहीं पर ही एक बकेट में उनको इमर्स किया। जब हमने उनको जो विसर्जन होता है जब हमने वो किया तो मुझे लगा जो गणेश जी की आइडल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होने में एटलीस्ट 5 to 6 days लेगा। 5 days हो गए, मैं डेली उनको देखती थी कि कुछ तो डिसॉल्व हो रहा होगा, कुछ तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा। 10 days हो गए, वो एज इट इज़ रखे हुए थे, एज इट इज़ पानी के अंदर रखे हुए थे, उसका एक कलर भी डिसॉल्व नहीं हो रहा था। 15 days हो गए, 20 days हो गए, 25 days हो गए, हम बोल करके वो गणेश जी दिए गए, उसके ऊपर पेंट था या क्या था या झूठ बोल करके गणपति जी दिए या मुझे नहीं पता, वो POP थे या पता नहीं क्या था। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी हम लोगों को क्रीक पे जा करके वो डिसॉल्व करना पड़ा, क्योंकि हम कब तक घर में इस तरह से रख के रखते। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ पर गई, 25 days बाद हम लोग गए, हमारे पीछे एक क्रीक है तो हम वहाँ पर गए उनको विसर्जन करने के लिए। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ का जो माहौल था ना, मैं वो देख करके शॉक थी, लिटरली शॉक थी। जो गणपति जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है ना, वो सब कचरे में पड़ी हुई थी, पानी में जिन लोगों ने डाली थी या तो वो पानी से निकाल दी गई, वो कचरे में पड़ी हुई थी, इकट्ठी रखी हुई थी। देन उसके बाद एक जो JCB होती है, JCB की हेल्प के थ्रू एक पूरा किसी में डंप यार्ड में लेके जा रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता है वहाँ पर। मतलब मैं शॉक थी वो पूरा सिनेरियो देख करके। मैं उस टाइम पे मैंने अपना कैमरा निकाला, मतलब मैं अपना मोबाइल निकाला शूट करने के लिए जो भी हो रहा था, तो मुझे पुलिस वालों ने वहाँ पर रोक दिया कि आप ये शूट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं जो भी XYZ रीज़न होगा। तो वो देख करके मैं इतना शॉक थी, एंड उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी मार्केट से हम गणपति जी लेकर के नहीं आएंगे, मतलब हम भगवान को हमारे घर ला रहे हैं एंड एट दी एंड हम उनका घर ख़राब कर रहे हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ट्राई करो कि आप इको फ्रेंडली गणेश जी मिट्टी के प्रॉपर आते ना, विदाउट कलर वाले, जो क्ले के होते हैं वो ही आई थिंक ज़्यादा बेटर होते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।